जीवन में कहीं ना कहीं ग्रो तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ना पड़ेगा। हम व्यापार में भी आगे बढ़ने की सोचते हैं, परिवार को भी आगे बढ़ाने की सोचते हैं, बेटे को भी आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, घर भी बड़ा करने के लिए सोचते हैं। हर चीज में हम ग्रो होते जा रहे हैं, लेकिन महामहोपाध्याय मानवीय जी महाराज ये कहते हैं कि धर्म के क्षेत्र में हम ग्रो कितना हुए। सच कहना, जब छोटे थे तब शायद कई लोग ऐसे यहां होंगे जिनको गुरु वंदन, परमात्मा के दर्शन, सभी विधि आती थी, बराबर। लेकिन आज पूछा जाए तो हम ऊपर चढ़ रहे हैं या नीचे उतर रहे हैं? जब छोटे थे तब शायद दो टाइम दर्शन करने चले जाते थे, गुरु भगवान को वंदन करने के लिए चले जाते थे, पाठशाला चले जाते थे, थोड़े बहुत सूत्र हमें आते थे, थोड़ा बहुत ज्ञान के करीब हम रहते थे। लेकिन आज क्या हुआ, हम ग्रो हुए या डाइट डाउन हुए? हम ग्रो अप करने की बात करें लेकिन हम या तो धीरे धीरे डाउनफॉल में जा रहे हैं, या तो हम धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं, हम या धीरे धीरे पतित होते जा रहे हैं। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझ लेना, हमें ग्रो करना है, हमें डाउन नहीं होना है। ग्रो अप, हमें आगे बढ़ना है। स्वभाव, आज से 10 साल पहले शायद हमारे स्वभाव में ईगो कम था, आज बहुत ज्यादा। आज से 10 साल पहले शायद स्वभाव में क्रोध कम था, आज बहुत ज्यादा है। आज से 10 साल पहले जब हम छोटे थे तब शायद बड़े बुजुर्गों के सामने झुक जाते थे, आज झुकना भी हम मुनासिब नहीं समझते। 10-20 साल पहले बड़ी सरलता से किसी को भी मिल लेते थे, कोई हिसाब किताब दिमाग में नहीं चलता था। आज आदमी के साथ हाथ मिलाने के पहले हम हिसाब किताब लगाते हैं, कितना मुनाफा कितना घाटा, मुझे कुछ मिलेगा या नहीं। बड़ी सरलता से, बड़ी निर्दोषता से हमारा जीवन चलता था, और आज हर चीज में हम हिसाब किताब रखते हैं। ये हम ग्रो हुए या हम डाउन हुए? जीवन जैसे जैसे बढ़ते जाता है, हमारा शरीर बढ़ता है, हमारी बुद्धि बढ़ती है, हमारे अंगोपांग बढ़ते हैं, हर चीज बढ़ती जाती है, फिर हम एक क्षेत्र में क्यों डाउनफॉल में जाते हैं? सच कहना, कभी कभी तो आपके जीवन को देखकर ऐसा लगता था, कभी कभी तो आपके जीवन को देखकर ऐसा लगता है, आप तो छोटे ही सही थे, बड़े गलत हो गए। बड़ा अच्छा जीवन था, बड़ा निर्दोष जीवन था, बड़ा पापों से मुक्त जीवन था, बड़ा सरल जीवन था, बड़ा धार्मिक जीवन था। आज सब चीजें आपके जीवन में से धीरे 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 खत्म होती जा रही है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, महामहोपाध्याय जी कहते हैं ग्रो अप, आगे बढ़ना। और 3 सूत्र बता दिए ग्रो अप के लिए, समझ लेना। यदि आप जीवन में ग्रो करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो कि नहीं चाहते, पहले हाँ या ना तो बोलो, 2 सूत्र बताओ। हाँ या ना, चाहते हो? आप चाहते हो कि आप जीवन में ग्रो करो? और जीवन में तो ग्रो कर लिया, आध्यात्मिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में, हृदय के क्षेत्र में यदि हम ग्रो करना चाहते हैं तो 3 सूत्र हमेशा समझ के रखना। ये 3 सूत्र हमारे जीवन को निश्चित तौर पर ग्रो करेंगे, निश्चित तौर पर उसको आगे बढ़ाएंगे, निश्चित तौर पर जीवन का उर्ध्वीकरण करेंगे। ये 3 सूत्र के भीतर ये ताकत है। सबसे पहला सूत्र है सेव बेस्ट, जो श्रेष्ठ है उसको सहेजो, उसको संभाल कर रखो। सेव बेस्ट, जितनी भी चीजें आपके पास श्रेष्ठ है उसको सहेज कर रखो, उसको संभाल कर रखो, श्रेष्ठ चीजों को गवाओ मत। आपने जीवन में कोई अच्छा काम किया है, अनुमोदना का काम किया है, आपने कोई यात्रा प्रवास निकाला है, आपने कोई संघ निकाला है, आपने कोई महापूजन पढ़वाया है, और उस समय आपके भाव श्रेष्ठ थे, वो भाव को संभाल करके रखो। जीवन में बैठ करके साल में 6 महीने में 8 महीने में बैठ करके एक बार याद करो कि क्या मजा आ गया था परमात्मा की भक्ति करते करते, क्या आनंद आ गया था परमात्मा की भक्ति करते करते, परमात्मा की आरती का आनंद, परमात्मा की भक्ति का आनंद, परमात्मा के सामने नृत्य करने का आनंद, क्या वो माहौल था। बैठ करके एक बार याद करो, सेव बेस्ट, जो श्रेष्ठ आपके पास है उसको सहज कर रखो, तो जीवन जरूर ग्रो होगा। दूसरा सूत्र फॉरवर्ड गुड, जो अच्छा आपके पास है वो दूसरों तक पहुंचाओ। जो अच्छी चीजें आपके पास आती है उसको खुद तक सीमित मत रखो, दूसरों तक पहुंचाओ। आज हम पूरे दिन में 5 बातें अच्छी पढ़ते हैं तो कोशिश यह रहती है कि दूसरे दिन के प्रवचन में वो बातें आप तक पहुंचाई जाए। फॉरवर्ड गुड,
जो भी अच्छी चीजें आपके पास आती है उसको दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करो, खुद तक सीमित मत रखो। हम स्वार्थी हैं, अच्छी चीजों को खुद तक सीमित रखते हैं और बुरी चीजों को फैलाते हैं। माहौल उसी से तो बिगड़ता है। गलत चीजों को जब हम फैलाने लग जाते हैं तो माहौल बिगड़ जाता है, और अच्छी चीजों को अपने तक सीमित रखते हैं तो दूसरों तक अच्छी बातें नहीं पहुंचती। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छा जो है उसको बांटते चलो। आपके पास कोई अच्छे समाचार आए, किसी ने कुछ अच्छा किया था, उसको दूसरे दो तक तो पहुंचाओ, दूसरे चार तक पहुंचाएंगे, और ऐसे ही पूरी चेन तैयार होगी और ऐसे ही एक शुभ भावों का माहौल बनेगा और हम जीवन में धीरे धीरे ग्रो होते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इसलिए दूसरा सूत्र है फॉरवर्ड गुड, और तीसरा सूत्र डिलीट वर्स्ट। वर्स्ट चीजें जो आपके पास आती है, जो खराब चीजें आपके सामने आती है, उसको अपने आप ही डिलीट करो, दूसरों तक मत पहुंचाओ। किसी के बुरे समाचार आप तक पहुंचे तो उसको दूसरों तक फैलाओ मत। ये हमारी बड़ी फितरत है। किसी किसी को तो पेट में परेशानी हो जाती है जब तक दूसरों दो को न कह दे। रात भर नींद नहीं आती कि कब सुबह हो और कब जाके चार लोगों को ये समाचार दे दूं कि ऐसा हुआ, ये फलाना फलाना भाई उठ गया है। पूरी रात जागृत रहते हैं, भगवान के लिए जागे हो ना जागे हो, लेकिन समाचार के लिए जरूर जागते हैं। रात के 12 बजे समाचार मिले, सुबह कैसे 6 बजे मोबाइल हाथ में लूं और मैसेज फॉरवर्ड करूं। और कई कई लोग तो ऐसे महापुरुष होते हैं, सुबह 6 बजे की भी वेट नहीं करते, रात को 12 बजे ही भेज देते हैं। डिलीट वर्स्ट। वर्स्ट से वर्स्ट चीजें जो आपके सामने आती है, गलत से गलत चीजें आपके सामने आती है, एक चीज समझ लेना, ये संसार है। यहां अच्छा भी दिखाई पड़ेगा, यहां गलत भी आपके सामने आएगा। हमारी आंखों को खुली रखनी है, हमारी भीतर की ऊर्जा को जागृत रखनी है। अच्छा पकड़ते चलो, उसका फैलावा करते चलो, और बुरा जितना भी है उसको वहीं पर स्टॉप करते चलो, तो ही हम जीवन में ग्रो होते जाएंगे, तो ही हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। वरना हमने यदि ये सोच लिया कि बुरे का फैलावा करते जाएंगे, अच्छे को हमारे तक सीमित रखेंगे, श्रेष्ठ चीजों को भूल जाएंगे, तो शायद हम जीवन में ग्रो नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि समझ लेना, हमें क्लास चेंज करनी है, हमें आगे बढ़ना है, हमें वही के वही नहीं रहना, हमें ग्रो करना है। ये 4 महीने ग्रो करने के लिए है, ये 4 महीने आगे बढ़ने के लिए है, ये 4 महीने कहीं ना कहीं हमें अपग्रेड करने के लिए है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 3 सूत्र आपके जीवन को निश्चित तौर पर ग्रो करेंगे। नंबर 1 सेव बेस्ट, नंबर 2 फॉरवर्ड गुड, एंड नंबर 3 डिलीट वर्स्ट। जो खराब चीजें आए उसको हटाओ, उसको डिलीट करो, जो अच्छी चीजें आए उसको दूसरों तक पहुंचाओ, और जो श्रेष्ठ चीजें हैं वो खुद के लिए संभाल के रखो। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।